हेलो गाइस, वेलकम टू डेयर यूट्यूब चैनल। और गाइस, मोटोरोला ब्रांड के बारे में तो आप सभी को पता होगा, कुछ साल पहले इंडिया में यार काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन बेचा करता था, लेकिन अब कुछ टाइम से यहाँ पर मोटोरोला का जो ब्रांड है इंडिया में फिलहाल के लिए यहाँ पर एकदम डाउन चल रहा है, क्योंकि फ़ोन इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं निकाल रहे। लेकिन मोटोरोला इंडिया में यहाँ पर कम बैक कर सकता है अपने नए डिवाइस के साथ में, जिसका नाम है मोटो वन विजन, जो कि आपको इंडिया में जो इसकी लॉन्च डेट है वो सामने निकल के आ चुकी है। स्पेसिफिकेशन तो ऑलरेडी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कन्फर्म वाले, साथ ही साथ यहाँ पर ये क्या प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो सकता है और मोटोरोला यहाँ पर क्या करेगा तो इंडिया में चल सकता है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं अपने ओपिनियंस भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। उसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक, ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता है 1000 लाइक्स का, आई होप कि यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं यहाँ पर इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, तो मोटो इंडिया जो है, मोटोरोला इंडिया जो है, उसने अपना मीडिया इनवाइट सेंड करना स्टार्ट कर दिए। वहाँ पर वो लिख के यहाँ पर दे रहे हैं प्रीमियम स्मार्टफोन मोटोरोला की तरफ से आपको 20 जून को देखने को मिलने वाला है। और अभी कुछ महीनों से अगर आप देखोगे तो मोटोरोला के कोई भी प्रीमियम स्मार्टफोन यहाँ पर इंडिया में या ग्लोबली भी लॉन्च नहीं हुए। सबसे जो प्रीमियम स्मार्टफोन मोटोरोला का अभी फिलहाल के लिए जो है वो आपको यहाँ पर मोटो वन विजन ही देखने को मिलता है, और बताया जा रहा है 20 जून को यहाँ पर यही फोन आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। अब स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको 100% कंफर्म बताने वाला हूं, क्योंकि ये फोन एक महीने पहले ब्राजील में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो वही स्पेसिफिकेशन आपको इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं यहां पर ये फोन के बिल्ड और डिजाइन से। तो यहां पर आपको फ्रंट में और बैक में ग्लास देखने को मिल जाता है, टिपिकल मोटोरोला टाइप के आपको यहां पर डिजाइन देखने को मिल जाता है, तो बिल्ड और डिजाइन के मामले में फोन काफी बढ़िया है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहां पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 6.3 इंच का डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दिया हुआ है, और आईपीएस डिस्प्ले यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। और कम प्राइस पॉइंट पर अगर ये पंच होल के साथ में आ जाते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहां पर ये फोन को खरीदने जाएंगे। अगर हम बात करते हैं रैम और स्टोरेज के बारे में, तो 2 से 3 आपको वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, 64 और 128 GB वाले। लेकिन यहां पर आपको बता दूं हाइब्रिड स्लॉट यहां पर आपको देखने को मिलता है, और डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मोटोरोला ने स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक को यहां पर नहीं लिया है। यहां पर आपको एक्सिनोस का 9609 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 10nm टेक्नोलॉजी पे काम करता है, साथ ही साथ 2.2 GHz पे क्लॉक कराया गया ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। तो आप सभी को पता है ये काफी एफिशिएंट प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस के मामले में भी लगभग स्नैपड्रैगन 675-660 के बीच का यहाँ पर ये परफॉर्मेंस दे देगा, तो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ये फोन में आपको काफी जबरदस्त देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर ये फोन के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरा का सेटअप मिलेगा, 48 MP का प्राइमरी कैमरा f1.7 अपर्चर के साथ में, और आपको बता दूं OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि ये प्राइस पॉइंट पर कोई भी फोन में यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। जनरली अगर आप देखोगे तो मिड रेंज सेगमेंट में आपको EIS दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। जो सेकेंडरी कैमरा आपको 5 MP का डेप्थ सेंसिंग वाला भी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको बता दो सेल्फी कैमरा भी है जो पंच होल के अंदर, वो आपको 25 MP का मिलता है। तो ऑन पेपर यहाँ पर मोटो वन का कैमरा जो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, अब जैसे ही आएगा डेफिनेटली टेस्ट करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। साथ में एंड्रॉइड वर्जन और UI के बारे में बात करें तो पायर टू द बॉक्स देखने को मिल जाता है, और ये क्योंकि 1 सीरीज़ का यहाँ पर ये डिवाइस है तो एंड्रॉइड 1 पे काम करता है, और 3 साल के आपको रेगुलर अपडेट्स भी यहाँ पर ये फोन में देखने को मिल जाएंगे। सेंसर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको यहाँ पर ये साइड बैक में देखने को मिलता है, और फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको बता दूं NFC का भी सपोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको 15W के टर्बो चार्जर वाली चार्जिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा पैकेज आपको मोटो वन विजन में देखने को मिलने वाला है। अब सबसे मेन बात मोटोरोला को लेके ये आती है, भाई प्राइस पॉइंट क्या रखेंगे, ऑनलाइन रखेंगे ऑफलाइन रखेंगे, ये बात आ जाती है। देखो अगर प्राइस पॉइंट अगर आप ग्लोबल प्राइस पॉइंट के बारे में बात करते हो, तो लगभग $300 के आसपास यहाँ पर ये ब्राजील में लॉन्च हुआ था, लगभग 20 से 21 हज़ार की प्राइस पॉइंट पे। और इंडिया में अगर ये प्राइस पॉइंट पे आता है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये इतना बिक पाएगा, क्योंकि 20 हज़ार में K20 रियलमी X जैसे स्मार्टफोन आएगा उसके सामने यार ये कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर ये फोन अगर इंडिया में 15 से 16 हज़ार की प्राइस पॉइंट पर अगर लॉन्च हो जाता है, अगर मोटोरोला को सही में कमबैक करना इंडियन मार्केट्स में कंपटीशन को देखते हुए, तो 15 से 16 हज़ार मैक्स टू मैक्स अगर लॉन्च कर देते हैं, डेफिनेटली मोटोरोला यहां पर कमबैक कर सकता है इंडियन मार्केट्स में। स्पेशली जिसको पंच होल डिस्प्ले के जो फैन है, डेफिनेटली ये फोन को कंसीडर करना चाहेंगे। बाकी मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स प्राइसिंग 15 से 16 हज़ार रहनी चाहिए। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से ये स्पेसिफिकेशन के साथ में मोटोरोला की ब्रांडिंग को देखते हुए ये फोन मैक्स टू मैक्स कितनी प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च होगा, तो बिक पाएगा रेडमी और रियलमी को, क्या मोटोरोला यहां पर ये फोन के साथ में टक्कर दे पाएगा नहीं दे पाएगा, बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि मेरे तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।